नमस्कार दोस्तों, ग्रीन नेचर चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पीस लिली, जिसको स्पैथिफाइलम भी हम कहते हैं, इस प्लांट्स के बारे में बात करेंगे कि इसको हम किस प्रकार से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम इसके प्रोपोगेशन कर सकते हैं, एक प्लांट से अधिक प्लांट किस प्रकार से हम बना सकते हैं और हमें इसे अपने गार्डन में, अपने घर में क्यों लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसे हमें अपने गार्डन में क्यों जगह देनी चाहिए, अपने घर में क्यों लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स है और बहुत ही ईजी ग्रो प्लांट्स है, इनडोर प्लांट्स है। ये एयर में, हवा में जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उसको फिल्टर करके हवा को शुद्ध करता है। तो इसलिए ये घर के अंदर लगाना, अपने रूम में लगाना काफ़ी लाभदायक माना गया है। तो दोस्तों, इसको हम अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स हैं। और दूसरा, हमें इसको किस प्रकार से हम इसको ग्रो कर सकते हैं, कैसे इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए ये आप प्लांट देख रहे हैं, ये इस तरह से इसमें ग्रो है सॉइल में। तो इसको हम अपने पॉट से इसको बाहर निकाल के, इसके जो ये अलग अलग नीचे से शूट्स निकली हुई हैं इसको निकाल के हम अलग कर सकते हैं। एक प्लांट से हम कई प्लांट्स इसमें बना सकते हैं। आप इस प्रकार से इस शूट्स को निकाल के आप दूसरी जगह से ग्रो कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये प्लांट्स मैंने सिलेंडर में ग्रो किया हुआ है। सिलेंडर में से हम बहुत ही इजी तरीके से इनको रिमूव करके बाहर निकाल के आसानी से लगा सकते हैं। तो ये एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स आप इसको ग्रो कर सकते हैं और इसको हम सिलेंडर में भी ग्रो कर सकते हैं, सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, कोकोपीट में भी ये काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों प्लांट मैंने अलग अलग मीडिया में ग्रो किए हुए हैं। ये सॉइल में ग्रो किया हुआ है और ये काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। इसी तरह से ये प्लांट्स जो है हमने सिलेंडर में ग्रो किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये प्लांट सिलेंडर में ग्रो हो रहा है। सिलेंडर एक कोल का, जो कि हाई टेम्परेचर में उसको बर्न किया जाता है और उसके बाद जो उसकी वेस्टेज होती है तो उसको हम सिंडर कहते हैं, खंगर भी हम इसको कहते हैं। ये हमने खंगर मिलाया है, इसमें थोड़ा राइस हस्क मिलाया हुआ है और लीफ मोल्ड मिलाया हुआ है। तो इन तीनों चीज़ का मिला के हमने इसका मीडिया तैयार किया हुआ है और ये सिंडर में काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। सिंडर क्योंकि एक बहुत ही लाइट वेट मीडिया है और इनडोर ग्रो करने के लिए सिलेंडर का आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से ये ग्रो हो सकता है। और सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। सॉइल में आप किसी भी इसको कंपोस्ट दे सकते हैं, साल में दो बार आप इसको कंपोस्ट दे दें, लेकिन इसकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए और इसको हमें गर्मियों में तो रेगुलर वाटरिंग करनी चाहिए जिससे कि ये प्लांट सूखे ना। और डायरेक्ट सनलाइट में हमें इसको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इसकी लीव्स जो हैं बर्न होनी चालू हो जाएंगी। और इसको आप ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे कि ब्राइट लाइट आती हो और वहाँ ये प्लांट काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करता है। आप इसको इंडोर में भी रख सकते हैं और या फिर आउटडोर में भी ऐसी जगह रखिए जहाँ पे ये डायरेक्शन लाइट के संपर्क में ना हो, तो ये प्लांट काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो दोस्तों, होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।